गौर से देखो तो जेठालाल, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपकी जगह कोई और होता तो नट्टू काका को जेल भेजकर अपनी दुकान बचा लेता, पर आपने ऐसा नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, बट आई एम सॉरी टू से, दुकान बचाने का अब यही एक रास्ता है। अच्छा वकील साहब, मेरा जेठे अगर कोर्ट में जाकर सच सच बोल दे कि नट्टू ने ये जो कुछ भी किया वो भोलेपन में किया है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट कोर्ट में नहीं चल सकता। लेकिन वकील साहब, दुकान बेचने के बाद मेरे मुंह से यूं ही निकल गई, इसलिए नट्टू काका को ये ख्याल आया। यही तो पॉइंट है ना जेठालाल, आपके मुंह से बात निकली और नट्टू काका ने आपकी बात को फॉलो किया। अगर ये बात सुरमाबाई कोर्ट में आसानी से साबित कर देगा तो आपकी दुकान तो आपके हाथ से डेफिनेटली चली जाएगी। वकील साहब, कोई और रास्ता नहीं है? मामला बहुत ही पेचीदा है और सुरमा भाई हर काम कानून के दायरे में रहकर ही करता है। अगर हम उस पर केस कर देंगे तो उसे हराना इम्पॉसिबल है। वकील साहब, मान लीजिए हमें आखिरी कोशिश करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ, गौर से देखो तो ऐसे मामलों में सेटलमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन सुरमा भाई तो कोई सेटलमेंट करने को तैयार ही नहीं है ना। हाँ, उसने तो ये 5 करोड़ का चेक भी दे दिया। अगर उसका ये चेक बाउंस होता है तो हमारा केस स्ट्रांग हो जाता है, फिर हम उससे लड़ सकते हैं। वकील साहब, वो सुरमा भाई ये चेक बाउंस होना ही नहीं देंगे, उनको अपने साले को मेरी दुकान गिफ्ट जो देनी है। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट इस दुकान का सुरमा भाई के साथ नहीं हुआ है, जेठालाल ने कोई एग्रीमेंट पेपर साइन नहीं किए, उसके बावजूद भी अगर वो दुकान खाली करवाने आता है या कोई कार्रवाई करता है तो हम कोर्ट से क्या स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, लेकिन बात घूम फिर कर यहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सुरमा भाई हमारे स्टे ऑर्डर पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेगा और केस सालों तक चलता रहेगा। आज मेरे एक केस की कोर्ट में हियरिंग है, उसी का एग्जाम्पल ले लो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का ही केस है, 8 साल से ये केस चल रहा है। 8 साल से केस चल रहा है, इतना लंबा टाइम? हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप सुरमा भाई पर केस करोगे तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे और कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे वो अलग से। कहाँ फंस गया मैं, मन करता है सब छोड़ के कहीं भाग जाऊँ। क्या बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूं बापूजी? गौर से देखो तो भागना इस समस्या का हल नहीं है। अगर आप भाग भी गए तो भी सुरमा भाई तो आपकी दुकान लेकर ही रहेगा। इसीलिए कहता हूं नट्टू काका को नौकरी से निकाल दो, उन पर फ्रॉड का केस करो और अपनी दुकान बचा लो, यही एक रास्ता है। ठीक है वकील साहब, हम लोग सलाह मशवरा करके फिर आपको सोच के बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। ठीक, ये लीजिए आपका चेक। हाँ, आपकी फीस मिल गई ना? ये क्या है फीस? नहीं नहीं हाथी भाई, इट्स ओके जेठा भाई, दवा वाला। चलिए, थैंक यू। गुड नाइट। हाँ बोलो। वकील साहब के पास जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। कैसी किस्मत है मेरी बापूजी, एक कमरे में बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके, बाहर से ताला मार के चाबी फेंक दी है समंदर में। जेठा ब्रो, देख जेठिया तू हिम्मत रख, हमारे पास थोड़ा ही सही पर वक्त है। हाँ जेठालाल, हम वकील साहब के पास सलाह लेने गए थे और सलाह लेके आ गए। वकील साहब ने जो बातें कही, इसका मतलब ये नहीं कि दुकान का सौदा हो ही रहा है। हम इनसे भी बड़ा वकील हायर करेंगे, वो कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन दे ही देंगे। सॉरी, सबसे बड़े वकील को तो अभी मिलकर आ रहे हैं, अब इससे बड़ा वकील हम कहाँ ढूंढेंगे? सेठ जी आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अरे नट्टू काका, आपको क्या जेल जाने का शौक चढ़ा है? सेठ जी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ जेठिया बात तो सुन ले, बोलिए। सेठ जी मैं ये कह रहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है और अपनी समस्या तो छोटी है। इतिहास में कई ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अशक्य को शक्य किया है, तो हम भी प्रयत्न करेंगे तो अशक्य काम को शक्य कर सकते हैं। और सुरमा भाई को मात दे सकते हैं। कैसे? वही तो सोचना है। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है। जेठालाल, मुझे नट्टू काका की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ जेठापरा, हम सब मिलकर सोचेंगे तो सुरमा भाई की बोलती बंद करने का कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। जेठा, तू ऐसे पानी में मत बैठ जा, हैं? थोड़ी हिम्मत रख। सही बात है, जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है? बिल्कुल। हाँ, और भगवान बुरा होने भी नहीं देंगे। तू एक काम कर जेठा, तू चिंता मत कर, तू जा दुकान जा, है? मैं सोसाइटी जाता हूँ और सबसे बात करता हूँ। और मैं तू ऑफिस जा और अपने जान पहचान वाले लोगों से बात कर। और सॉरी, तू भी गैरेज जा और अपने दोस्तों से ये बात कर और ये बात उनको समझा। हाँ हाँ चाचा, हमारे पास कुछ ही घंटे बाकी हैं, कोई ना कोई आशा की किरण तो जरूर नजर आएगी। हाँ सही बात है, जब इतने सारे लोग एक ही दिशा में मिलकर सोचेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। हाँ करेक्ट। क्या हाथी भाई, चलो यारो। मेहता साहब, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटा तो दुकान छोड़ देना। नहीं नहीं छोटी, तुझे उल्टा पड़ेगा। मैं और नट्टू काका मेहता साहब को ऑफिस छोड़ते हुए फिर दुकान निकल जाएंगे। तो निकल भी ठीक है। लेकिन सुन जेठिया, ये नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में मत आने देना। हाँ नहीं, और खाना खा लेना, भूखा मत रहना। जी जी बापू जी, आप भी खाना खा लेना। हाँ हाँ खा लो। चलो चाचा जी, हाथी भाई, मैं तुम लोगों को गोकुलधाम छोड़ देता हूँ, फिर गैराज चला जाता हूँ। ठीक है, आओ जाओ। चलिए ओके बापू। हाँ मेहता साहब, आप ऑफिस जा पाएंगे? हाँ जेठालाल, जिस तरह से बहाना बनाया उसके बाद अगर ऑफिस जाऊंगा तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन दिक्कत नहीं है, बॉस तो लोनावला गए होंगे। मैं बोल दूंगा ऑफिस में जाके कि भाई इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद कमर और पाँव ठीक है, तो थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैं ऑफिस आ गया। और बॉस को भी जब पता चलेगा कि बीमारी के बावजूद ऑफिस आया हूँ तो बड़े खुश होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, आगे से मिल जाएगी रिक्शा। हाँ रिक्शा खाली है भाई। हाँ कहाँ जाना है? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बिकी नहीं है। हाँ? पर वो है कहाँ? अशोक नगर। हाँ अशोक नगर। हाँ हाँ बैठो। आइए आइए नाटू काका, बैठो। जी जी। और पंटर भाई कैसे हो? नहीं एक मैं क्या बोल रहा था, ये बैनर अभी निकाल दीजिए ना छोटे भाई, बड़े भाई, ये बैनर अभी निकाल दीजिए ना प्लीज। आपके लिए चाय कॉफी कुछ मंगाऊं? फालूदा, और खाली फालूदा ही नहीं, भजिया, समोसा, वड़ा पाव एकदम टेस्टी मिलता है। कहाँ आप यहाँ इतनी धूप में खड़े हैं? हमारे गोडाउन में मस्त एसी है, आप वहाँ आराम से बैठिए। नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, आप यहीं खड़े रहिए, लेकिन ये बैनर निकाल दीजिए ना प्लीज। सुरमा भाई ने मना किया है ना। अरे सुरमा भाई को कहाँ पता चलेगा। ए, ज्यादा होशियारी मत कर, ये बैनर नहीं हटेगा। ये दुकान भाई की है। अरे ऐसे बोलने से दुकान थोड़ी भाई की हो जाती है। बोला ना भाई की दुकान है। ठीक है ठीक है, जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, नट्टू काका, अच्छा हो आप लोग आ गए। आज दुकान में काम करने का मन ही नहीं कर रहा, सब कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। सुबह से कोई धंधा हुआ? नहीं सेठ जी, जो भी कस्टमर दुकान में आता है वो बाहर दुकान बिक गई है वो बोर्ड पढ़ के अंदर आता है और फिर मुफ्त के भाव में माल खरीदने की बात करता है। ऐसे में धंधा कहाँ से होगा सेठ जी? तो भागा, कुछ भी करके उन आदमियों को पटा के बैनर हटाने को बोल देना। चाहिए तो थोड़ा चाय पानी पिला देना। नट्टू काका, चाय पानी क्या, मैंने तो उन्हें फालूदा पिलाने तक की बात की, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लगता है जिनकी वजह से पूरे दिन में धंधा होगा ही नहीं। डोंट वरी भागा बॉय, तो नेगेटिव चीजों पर ध्यान मत दे, पॉजिटिव सोच। जी नट्टू काका। नट्टू काका, सेठ जी आप लोग वकील साहब से मिलने गए थे ना? हाँ। क्या कहा वकील साहब ने? कोई रास्ता दिखाया जिससे हमारी दुकान बच सके? रास्ता तो दिखाया बागा, पर सेठ जी वो रास्ता अपनाने को तैयार नहीं। क्यों सेठ जी, क्यों? क्योंकि उसमें मुझे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा कौन सा रास्ता दिखाया वकील साहब ने? वकील साहब ने कहा कि सेठ जी अगर मुझे नौकरी से निकाल दे और पेपर में इश्तेहार दे दे कि मेरा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं, तो मैंने जो पेपर में साइन किया है और मेरा जो वीडियो उनके पास है वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। और उसको मद्देनजर रखते हुए सेठ जी को मुझ पर फ्रॉड का केस करना पड़ेगा, जिससे मुझे जेल हो सकती है और अल्टीमेटली दुकान बच सकती है। बट बागा और सेठ जी सुपर काइंड, उन्होंने साफ साफ कह दिया चाहे जो हो जाए वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सच में आपके जैसा कोई नहीं सेठ जी। लेकिन सेठ जी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नो बागा, वी आर स्टक, बुरी तरह फंस गए हम। अरे बाप रे। बट डोंट वरी, भले हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं लेकिन इतनी जल्दी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इस समस्या का हल ढूंढ के ही रहेंगे। कैसे? दिमाग से। दिमाग से? हाँ, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है तो दिमाग को काम पे लगा। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सोच अभियान में शामिल है, तू भी हो जा। आई आई सर, लेट अस सोच। बबीता जी बोलिए बोलिए। हाय जेठा जी, कैसे हैं आप? क्या बताऊं बबीता जी, वो हम लोग वकील के पास गए थे। हाँ, वो चाचा जी ने बताया सब कुछ हमें। अच्छा। देखिए जेठा जी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हम लोग साथ में मिलके सोचेंगे ना तो हम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सोचिए सोचिए बबीता जी सोचिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है किसी और को कोई रास्ता मिले ना मिले आपको तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है आपका दिमाग बहुत तेज है, खास करके जब कोई टेंशन होता है तब तो आपका दिमाग एकदम फटाफट चलता है। अभी देखिए ना, कल भी वो पुलिस वाला आइडिया आपने कितना जोरदार दिया। सॉरी, वो आइडिया का हम अमल नहीं कर पाए, उसका मुझे बेहद दुख है बबीता जी। लेकिन आप सोचना बंद मत करना, आप सोचना चालू रखिए। हाँ बिल्कुल जेठा जी, बस आप हिम्मत मत हारना। ओके बबीता जी, सच कहूँ तो अंदर से मैं थोड़ी हिम्मत हार चुका था, लेकिन अभी आपके ये शब्द सुन के मुझ में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ है। थैंक यू बबीता जी, मुझे सामने से फोन करके हिम्मत देने के लिए। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि क्या है जब इंसान पे मुसीबत आती है ना तभी पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। आपने सामने से मुझे फोन करके साबित कर दिया आज कि आप मेरे अपने हैं, और अपने तो अपने होते हैं। जेठा जी रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके और हाँ, जैसे ही मुझे कोई आइडिया आता है मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। ओके ओके बाय बाय। नट्टू काका भगा, क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं सेठ जी। शाबाश शाबाश, सोचो सोचो, ये सोच अभियान जोश से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बबीता जी भी हमारे साथ है। हाँ सोचो, कोई ऐसा धमाकेदार आइडिया सोचो जिससे हमारी जीत हो और वो सुरमा भाई की हार। सोचो, सोचना चालू रखो। ये आइडिया क्या? हम लोग वो सुरमा भाई के बंगलों के बाहर आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अबे हाथी भाई के बारे में तो सोचो। अरे हाँ, हाथी भाई भी है ना। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाथी भाई कॉन्फ्रेंस के लिए गए, अवेलेबल नहीं है। तो बोल रहा है भिड़े, और हम भी ऐसा नहीं कर सकते भाई। सुरमा भाई ने जो कुछ भी किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है। हम अगर आमरण उपोषण करेंगे तो पुलिस हम पर लाठीचार्ज करेगी और हमें जेल में डाल देगी। वो अलग, जेल में नहीं जाना है, कुछ अलग सोचते हैं। अच्छा सुनो, हाँ अच्छा, मुझे एक विचार आया है। बोलो बोलो। हम नट्टू को गांव भेज दे तो फिर हम बोल देंगे कि हमें पता नहीं है भाई, नट्टू कहीं खो गया है, हमें मिल नहीं रहा है। ऐसा करें तो? नहीं 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 चाचा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हम ही फंस जाएंगे। नट्टू काका गायब होंगे तो सुरमा भाई पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और छानबीन होगी। हाँ, और अगर एक बार कोर्ट का ऑर्डर निकल गया ना तो पुलिस तो कहीं से भी नट्टू काका को ढूंढ के निकालेगी और घूम फिर के बाद हम पे ही आ जाएगी। कुछ भी हो जाए दुकान बिकनी नहीं चाहिए, कुछ और सोचते हैं। चल। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा नाम है माइल्स मोरालेस और मेरी दुनिया में मैं इकलौता स्पाइडरमैन था, पर फिर ये आ गया। वो केप हमें सूट नहीं कर, ये कितना कूल है, निकालो उसे, नाक कटवाओगे। Hey guys. और कितने स्पाइडर लोग हैं? खुशामदीद दोस्तों। हेलो। मेरा नाम है पीटर पार्कर। क्या स्पाइडरमैन इनविजिबल भी हो सकता है? ये तो कमाल है, तुम्हारे पावर्स थोड़े अलग हैं। कोई आ रहा है? स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स इस साल सिर्फ सिनेमाघरों में। यार गोली क्या कर रहा है तू? सॉरी टप्पू, वो मैं स्पाइडरमैन का ट्रेलर देख रहा था यार। जबरदस्त ट्रेलर है यार ये फिल्म का, आज रिलीज हो रही है ना इंडिया में, क्या मजा आने वाला है। मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। गोली, हम सब यहाँ स्पाइडरमैन के फैन हैं, लेकिन इस वक्त दुकान बचाने का आइडिया सोचना जरूरी है। हाँ गोली, यहाँ पर हम इतना टेंशन में है और तू मूवी का ट्रेलर देख रहा है। हाँ। कुछ सोच ना। हाँ गोली, लेकिन फ्रेंड्स इस स्पाइडरमैन फिल्म में क्या यूनिक यूनिक आइडियाज होते हैं यार, और अभी वाली जो फिल्म है ना उसमें तो क्या जबरदस्त आइडिया है, तुझे पता है? हाँ हाँ गोली पता है, इस बार उन्होंने बताया कि सब लोग स्पाइडरमैन बन सकते हैं। है? हो टप्पू, तुझे पता है? हाँ हाँ टप्पू को सब पता होता है, बस एक बार दुकान बचाने का आइडिया मिल जाए ना तो मैं पूरी टप्पू सेना को स्पाइडरमैन फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। हो यस, हाँ हाँ वो सब ठीक है। गोली पहले तू फोन रख और सब लोग कुछ सोचो। हाँ करेक्ट, सोच फोन रख गोली, फोन। टप्पू क्या मस्त आइडिया है। क्या 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 बता। हम सुरमा भाई को बोल देते हैं नहीं देनी है दुकान, जो करना है वो कर लो। अरे गोगी, सुरमा भाई दुकान छीन रहे, तेरे हाथ से लस्सी का ग्लास नहीं छीन रहे। हाँ तो कोई नहीं, हम सुरमा भाई के बंगलों में जाके हल्ला बोल देते हैं। यार क्या गोगी तू बात बात पे सोडी अंकल की तरह हल्ला करने की बात कर रहा है। हाँ गोगी, ऐसे नहीं कोई हल्ला बोल सकते हम। हाँ सारे बड़े जाकर आए ना सुरमा भाई के पास, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे। फ्रेंड्स हमें ताकत से नहीं दिमाग से सोचना है। गल भी सही है, सुरमा भाई की कोई तो कमजोरी होगी, हमें उसे ढूंढना है। सोचो सोचो। वो एक आइडिया है। क्या क्या बता। क्यों ना हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही चेंज कर दे, उससे क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है टप्पू, सुरमा भाई ने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी है ना, तो हम अगर नाम चेंज कर देंगे तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। ऐसा नहीं होता यार पिंकू, सुरमा भाई ने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से बोर्ड नहीं खरीदा है, पूरी की पूरी दुकान खरीदी है। सोचो सोचो, कोई और अच्छा आइडिया सोचो। फ्रेंड्स मुझे आइडिया मिल गया। बता। क्यों ना सुरमा भाई को हम ये बोल दे, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में भूत है। वाह वाह गोली, सुपर सुपर, इससे तो पक्का सुरमा भाई डर के भाग जाएंगे। गोली गोगी कुछ ऐसा सोचो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, कुछ और सोचो यार, कुछ और आइडिया सोचो। सोचिए आप लोग भी सोचिए, कोई ऐसा आइडिया सोचिए जिससे जेठालाल की दुकान बच जाए। मैं, नट्टू काका, टप्पू सेना, हम सब गोकुलधाम वाले सबने अपने दिमाग पे जोर डालना शुरू कर दिया है। सब सोच रहे कोई तो ऐसा आइडिया मिले, कोई तो ऐसा रास्ता मिले जिससे जेठालाल की दुकान बच जाए। अब क्या होगा आगे हम सब सोच रहे हैं, तो लगता है कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर रास्ता नहीं मिला, आइडिया नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। कहते हैं ना, जब आपके अपने आप के साथ जुड़ जाएं और मदद का दिया जला ले तो उम्मीद का उजाला जरूर होता है। इतने सारे लोग एक साथ हम सोच रहे हैं तो लगता है कि आइडिया जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो क्या होगा, जेठालाल की दुकान चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जेठालाल की दुकान जानी नहीं चाहिए। आप भी सोचिए, कोई ऐसा रास्ता सुझा दीजिए जिससे जेठालाल की दुकान बच जाए। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, सोमवार को आइए और कोई ना कोई रास्ता या आइडिया लेके जरूर आइए। इंतजार करूंगा मैं आपका, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.